इधर गृहमंत्री अमित शाह ने चीन से झड़प पर कांग्रेस के प्रहार का बड़ा पलटवार किया। शाह ने कहा कि चीन को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने नेहरू तक को नहीं छोड़ा। अमित शाह ने कहा कि सेना ने जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। चीन की एक इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाई। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 6 और 6-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ?